जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वादी मलमजब्बा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हर सू सफेदी फैल गई है, खूबसूरत नज़ारे हैं और कुदरती हुसन है यहाँ पर, और मुल्क भर की सयाहों की एक बड़ी तादाद ने मलमजब्बा का रुख कर लिया है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सयाह जो हैं वो बर्फ़ के खेल में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, और बहुत से छोटे बच्चे भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि बर्फ़ से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तो कुछ सयाह ख़वातीन सयाह भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं और मलमजब्बा में खसन इस बर्फ़ में आप किस तरह लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं? हम लोग डी जी खान से आए हैं और यहाँ पे सवात में आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, और हैं बिलोंग करते हैं हम लाहौर से तो, लेकिन हैं अब पोस्टिंग डीजी खान में, इसलिए डीजी खान से। ये बताएं कि आप यहाँ में बर्फ़ में खूब आप इंजॉय कर रहे हैं, वो ख्वातीन सयाह जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं उनके लिए पैगाम क्या हो? नहीं, उनको आना चाहिए और रास्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेफ एंड साउंड है और अच्छा है, इंजॉयबल। आप बताएं आप कहाँ से हैं और किस तरह फील हो रहा है बर्फ़बारी में, और दीगर ख्वातीन सयाहों के लिए पैगाम क्या हो? मैं सब ख्वातीन को यही कहूँगी कि उनको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है, उनको इंजॉय करना चाहिए, और जो खूबसूरती यहाँ पे वो पाकिस्तान में इंजॉय तो करनी है ना आप सारों ने। हम लोग डीजी खान से, हम लोग इतनी दूर से यहाँ सिर्फ इसी खूबसूरती को देखने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने इन सयाहों की बातें आपने सुनी, इनका कहना है कि हम बहुत यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और इन्होंने दीगर सयाहों को भी यही पैगाम दिया है कि वो भी यहाँ पर आए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ जो बर्फ़ है इसके खेल से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। जी।